अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं घर के मसाले से मज़ेदार टिक्का बोटी, वो भी फ्राई पैन में। तो आए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। बीफ आधा किलो, दही आधा कप, हल्दी एक चौथाई चाय का चमचा, नमक एक चाय का चमचा या हसब ज़रूरत, पिसा हुआ पपीता एक खाने का चमचा, कश्मीरी चिली पाउडर आधा चाय का चमचा, अदरक पाउडर आधा खाने का चमचा, लहसुन पाउडर आधा खाने का चमचा, दो हरी मिर्चें पिसी हुई, बारीक कटा हुआ पुदीना एक खाने का चमचा, बारीक कटा हुआ धनिया एक खाने का चमचा, ऑयल 2 टेबल स्पून, अनियन पाउडर 1 टीस्पून, धनिया एक खाने का चमचा, ज़ीरा एक चाय का चमचा, काली मिर्चें आधा चाय का चमचा, 3 सूखी मिर्चें, 1 तेज़पत्ता, आधा टुकड़ा दालचीनी का, स्टार एनिस 1/4 चाय का चमचा, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंगें, 3 सब्ज़ इलायची, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का, 2 पिंच जावित्री। अब हम इन तमाम मसालों को भूनकर इनका फाइन पाउडर बनाएंगे। अब हम बीफ में पिसा हुआ पपीता लगाकर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पपीता गोश्त को गलाने में बहुत मददगार साबित होता है, लेकिन अगर आपको किसी वजह से पपीता ना मिल पाए तो आप मीट टेंडराइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने गोश्त को छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काटा है ताकि गोश्त बगैर ड्राई हुए जल्दी से गल जाए। अब हम पपीते और गोश्त को अच्छे से 2-3 मिनट मलकर अलहदा रख देंगे। गाइस, 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम गोश्त में बाकी के मसाले शामिल करेंगे। गाइस, हम ग्रिलिंग, बेकिंग और बारबेक्यू में लहसुन और अदरक का पाउडर इस्तेमाल करते हैं। इससे करी के बजाय एक बारबेक्यू का जायका आता है। ये ऑप्शनल है, आप पिसा हुआ लहसुन अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम मसालों को गोश्त के साथ मिलाकर अच्छे से 4 से 5 मिनट तक मलें ताकि गोश्त और मसाले यकजान हो जाएं। हम इस गोश्त को ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखेंगे। आप चाहें तो 1 घंटे के बाद इसको पका सकते हैं। नाउ गाइस, यहाँ हम आपको बताएं, हम आखिरी मिनट पे प्याज का पाउडर इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें पिसा हुआ प्याज नहीं डालते और शुरू में तो बिल्कुल नहीं डालते, वरना अनियन का जो फ्लेवर है वो तमाम मसालों के ऊपर हावी हो जाता है। इस वक्त डालने से ये गोश्त में बहुत अच्छा सा एक जायका देता है। अब हम गोश्त के क्यूब्स को वुडन स्क्रूअर्स पे लगाएंगे। यहाँ पे हम वुडन स्क्रूअर्स यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो स्टील का भी सीखें इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पे हम गोश्त को साथ साथ पिरोएंगे, कबाब की तरह स्क्वीज नहीं करेंगे। गाइस, हम आपको बताते चलें कि हमने रोजमेरी इन्फ्यूज्ड ऑयल ही तेल गोश्त में भी डाला था और अब हम अपने कास्ट आयरन पैन को भी रोजमेरी इन्फ्यूज्ड ऑयल से ही ग्रीस कर रहे हैं। कास्ट आयरन पैन हम तकरीबन 7 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें इसके इस्तेमाल करते हुए कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। इसका तरीका ये है कि जब आप कुकिंग ख़त्म करें फौरन उसको धोकर खुश करें और ऑयल लगाकर सेव कर लें। अब हम अपने सीखों को कास्ट आयरन की पैन में डाल रहे हैं। आँच इस वक्त दरमियानी है, 2-3 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। अब आप देखें स्टीम जनरेट हो रही है, तो अब हम इसको ढक कर 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। गाइस, हमने 20 मिनट से पहले ढक्कन हटाया ताकि हम आपको दिखा सकें। आप देख सकते हैं गोश्त ने अपना पानी छोड़ा है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसको डिस्कार्ड नहीं करना है, गोश्त इसी पानी में पक के गलेगा। ना गाइस, 20 मिनट्स हो चुके हैं, देखें गोश्त अच्छे से गल गया है, पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। इस वक्त हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन मार्क्स आ सके। वैसे बहुत से लोग इसको इसी तरह भी खाते हैं,
अगर आप चाहें तो आप इसको इसी तरह भी खा सकते हैं। साइड चेंज करने से उस पर एक चारकोल कलर आ जाता है जिससे देखने में बहुत अच्छा लगता है। और गोश्त तकरीबन गल चुका है, आइए हम आपको छू के दिखाते हैं। देखें गोश्त बिल्कुल गल चुका है। इस वक्त हम 2 मिनट के लिए इसको ढक के रखेंगे और हमारा टिक्का बोटी तैयार है। देखें टिक्का बोटी 2 मिनट के बाद हर साइड पे ब्राउन मार्क्स आ गए हैं, जिस तरह चारकोल के मार्क्स होते हैं। अब ये टाइम है कि हम इस पे हल्का सा मक्खन लगाएंगे और कोयले का धुआं देंगे। यहाँ पे हम प्याज के छिलके पे कोयला रखेंगे, आप चाहें तो टिन फॉइल भी रख सकते हैं। अब हम इस पे तेल के कुछ कतरे टपकाएंगे और फौरन से ढक्कन बंद कर देंगे और इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप इसको 1 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। गाइस, ये है हमारा मज़ेदार जूसी टिक्का बोटी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और अपने किचन में इसको ट्राई करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना ना भूलिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। मिलते हैं फिर किसी मज़ेदार सी डिश के साथ, उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।